हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? हम लोग बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, और उम्मीद करते हैं आप भी बहुत अच्छे होंगे। और आज है संडे मॉर्निंग, और जैसे ही हम लोग उठे हैं 5 AM मॉर्निंग का हो रहा था, तो देखिए इतना अच्छा मौसम है, हवा चल रही थी, तो हम और फैसल ऐसे ही निकल गए कि चलो एक बार राउंड लगा के आते हैं। संडे मॉर्निंग भी था, तो बस ऐसे ही निकल गए। तो हम लोगों ने देखा धीरे धीरे और अंधेरा होते गया, बादल घिरते गया, और माशाल्लाह से पटना की फर्स्ट बारिश भी उस दिन हुई। तो चलिए आप भी इंजॉय करिए व्यू। आज हम लोग निकले थे फ्रेंड्स, तो जब धूप नहीं था, थोड़ा रोशनी था, और धीरे धीरे क्या हो गया, अंधेरा हो गया, बारिश होने वाला, आंधी अंदर तूफान आया, आंधी बोले हुए बहुत लोग को समझ में नहीं आता, इसलिए बोले अंदर तूफान आया। एकदम अंधेरा जैसा मौसम हो गया है, अभी टाइम भी 5:30 से पहले ही है, 5:15:20 हो रहा है। और बारिश स्टार्ट हो गया, और ये वाली बारिश ना इस साल की फर्स्ट बारिश है। और कॉलेज में साइंस एग्जीबिशन में ये कुछ स्टूडेंट्स ने बनाया था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि इसमें डाल देते हैं। ये भी है, ये आप देख सकते हो, सेल का सेल ऑर्गेनेल्स हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था, बहुत अच्छे से मेहनत करके स्टूडेंट लोगों ने, तो मैंने सोचा कि इसमें इस पर डाल देते हैं। और आज बारिश का मौसम भी है, अच्छा मौसम है, संडे मॉर्निंग भी है, तो हम लोग इधर से जा रहे थे, तो मछली वगैरह तो दिख रहा है, फैसल गया देखने के लिए वही फिश, कि आज मौसम अच्छा है तो हम लोग फिश खा सकते हैं, फैसल वही गया है देखने के लिए। ये कौन मछली इतना बड़ा? दिकट है, दिकट। हाय, फैसल यहाँ पे मछली ले रहा है। आंटी जी झींगा दे दीजिए। ये वाला मछली है, झींगा मछली। हम लोग फ्रेंड्स इधर आए थे लिट्टी ढूंढते ढूंढते, आज बारिश का मौसम है तो लिट्टी चोखा खाने के लिए, लेकिन दिख गया मछली, तो सबको फिश खाने का मन हो गया, तो हम लोग मछली लेने लगे। यहाँ फैसल आ गए हैं बड़ा वाला मछली लेके, अभी हम लोग झींगा मछली ले रहे हैं। कम कर सा 10 रुपये बचे ले, ये छोटा वाला झींगा वाला। बारिश और चाय ना हो ये तो हो नहीं सकता है। ये चाय और ये है रोगनी रोटी, जो कि इसको बनाया जाता है कबाब का जो मसाला होता है ना, वो बचा हुआ था उससे, जो मसाला होता है वो बचा हुआ है उससे। मतलब ये हम लोग के घर में जब कबाब बनता है ना, तो उसका मसाला लास्ट में बच जाता है, उसमें आटा को डाल के थोड़ा मसाला डाल के रोटी बनता है, इसका अनबॉक्सिंग इतने गंदे तरीके से किया, क्योंकि हमको जल्दी से, मैंने बहुत दिन पहले से बुक मंगवाया था, बहुत ऐसे हम बुक पढ़ते हैं, पेपर सारे बुक्स खत्म हो गए थे, तो मैंने मंगवाया था, बुक मेरा फाइनली आ गया, अब हम इसको आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और 1 से 2 दिन में फिनिश। और ये कुछ बस यही था इन दोनों बॉक्स में, इन्हें तक जोड़ना बस। सो फ्रेंड घर आए और इतना अच्छा दिख गया, वाओ कबाब मम्मी रोस्ट कर दिए एकदम टेस्टी, हम चलते हैं इसको खाने एज ए स्नैक। ये टेस्टी खाने वाला सरप्राइज जो होता है फूड वाला, कितना अच्छा लगता है देख के, एकदम दिल खुश हो गया, पूरा थकान ही खत्म हो गया मेरा, और हम जा रहे हैं जल्दी से इसको टेस्ट करने, थोड़ा सा भी किए हैं अभी करेंगे, जा रहे खाने ये वाला, बस हो जाए गरम गरम खाएंगे, मुँह में पानी आया। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बहुत दिनों बाद आज हम फ़ोन उठाए हैं फाइनली कि चलो आज कुछ शूट करते हैं, क्योंकि पिछला एक वीक ना, लास्ट फ्राइडे को मैंने ब्लॉग अपलोड किया था, उसके बाद से हमको बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पाया,
बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कुछ कुछ हम शूट कर ले रहे थे, बट हमको एक प्रॉपर ब्लॉगिंग का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा था। तो आज है फाइनली थर्सडे इवनिंग, कल है फ्राइडे, तो हमको थोड़ा सा भी टाइम मिला। हम सोचे कि अभी जस्ट हम फेस वॉश वगैरह करके हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों के यहाँ भी बहुत गर्मी होगा, तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऐसे गर्मी में मेरा मन करता है ना किसी एकदम ठंडी वाली जगह पर चले जाओ, और ऐसा इत्तेफाक भी हो रहा था कि हर साल कहीं ना कहीं ठंडी जगह पर जा रहे थे, बट इस साल तो कहीं का भी प्लानिंग नहीं हुआ, कहीं नहीं गए, बिहार पटना में ही रह गए। तो बस यही अभी हो रहा है, अभी इवनिंग हुआ है, अम्मी तो है नहीं, मार्केट गई, मेरी दादी है, तो मेरा चाय पीने का मन हो रहा है। हम सोच रहे कि अभी चाय बना लेते हैं, पी लेते हैं आपके साथ, आप भी बनाइए चाय पीजिए और मेरा ब्लॉग भी देखिए, इन्जॉय करिए, और बताइए आप लोगों के यहाँ कितनी गर्मी, कितना टेम्परेचर। यहाँ का टेम्परेचर शायद 40-41 डिग्री हो गया, आई डोंट नो एप्रॉक्स। बारिश तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, कल भी बादल वादल घिरा था, हवा भी चली थी, बट बारिश नहीं हुआ। बारिश भैया कहाँ है, अल्लाह जाने। ये अम्मी ने लगाया है आम वाला अचार, इस साल हर साल तो लगता ही है हमारे घर में, तो इस साल भी लगाया है। दादी यहाँ बैठी है, और ये क्या हुआ क्या हुआ, धो दें। तो मेरी चाय चढ़ गई है, अभी थोड़ी देर पकेगी, और हमको दिख गया फ्रीज में दूध निकाल रहे थे तो रोज़ वाटर, तो हम सोचे चलो आज कुछ कोई फेस पैक वगैरह लगा लेते हैं, बहुत दिन से कुछ भी नहीं लगाया है, तो आज लगाते हैं। थोड़ा सा कॉफ़ी चाय में भी डाल देते हैं। तो मेरा फेस पैक रेडी हो गया है और चाय भी ऑलमोस्ट रेडी है, चलते हैं चाय भी पियेंगे और ये लगा भी लेंगे। देखिए कैसा कंसिस्टेंसी आया है, चलते हैं फिर, बहुत गर्मी है, भागो किचन से जल्दी। बन गई है मेरी चाय, और ये है दादी की चाय, और दादी खाएंगे ये चाय के साथ, और हम खाएंगे भूंजा, और ये खाना नहीं है, लगाना है। दादी व्हाट आर यू डूइंग, हाँ इधर आइए, ये आपका चाय है, और दादी मेरा चंपी कर रही है, बोली लो तुम्हारा बाल बहुत रफ हो गया है। इतना रफ क्यों हो रहा है, तेल लगा देते हैं। हम बैठ गए और हमको थोड़ा थोड़ा नींद भी आने लगा तेल लगाते लगाते। दोनों को लेकर चलो ना, मेरा हम लोग जा रहे हैं अभी समोसा खाने, ब्रेकफास्ट हम लोग ना हज भवन वाले रास्ते से क्रॉस कर रहे थे, तो वहाँ पे ये बहुत ही फेमस लिट्टी वाला है, जो कि लिट्टी और चाय बहुत ही अच्छा बनाता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए। हम लोग वहाँ से सडन क्रॉस कर रहे थे तो ध्यान आया, ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो रहा था, तो चाय और लिट्टी हम लोगों ने खाया, मतलब बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही टेस्टी था। और उसके बाद मेरा चाय उठा लीजिए, ये अभी एकदम मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, देखिए एकदम कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं चल रहा है,
और फिर उसके बाद हम लोग आए, दादी ने भी यही ब्रेकफास्ट किया और फिर थोड़ा सा वर्कआउट एंड देन काम पे, तो वॉक पे तो जाना ही है। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके हम लोग निकल गए सब अपने अपने काम पे और इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए।